प्रिय विद्यार्थियों, हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने पिछले लेक्चर्स में आर्थिक भूगोल की परिभाषा डिस्कस की। उसके बाद हमने आर्थिक भूगोल की प्रकृति डिस्कस की कि आर्थिक भूगोल एग्जैक्टली क्या है, आर्थिक भूगोल के अध्ययन में क्या क्या तत्व समाविष्ट होते हैं, आर्थिक भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या है, आर्थिक भूगोल किस रूप में हम अध्ययन कर सकते हैं, गत्यात्मक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, आर्थिक तथ्यों का विश्लेषण इसमें भू क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है, आर्थिक भूगोल आर्थिक भूदृश्य के अध्ययन से संबंधित है, आर्थिक भूगोल का जो परम लक्ष्य है वो सामाजिक कल्याण है, आर्थिक भूगोल स्थानिक संगठन के कार्यात्मक स्वरूप का अध्ययन है, आर्थिक भूगोल का जो स्वरूप है वो अर्थशास्त्र के सबसे निकट है। ये सारी चीज़ें हमने आर्थिक भूगोल की प्रकृति को समझने के लिए पिछले लेक्चर्स में पढ़ी। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। पहले से पहले वर्णित आर्थिक भूगोल की परिभाषाओं से विदित होता है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भूतल के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक गुणों तथा आर्थिक क्रियाओं में संलग्न मनुष्यों की पारस्परिक अंतरक्रिया के स्वरूपों एवं उससे उत्पन्न विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों और उन्हें प्रभावित करने वाले प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण से तात्पर्य उन मानवीय संसाधनों से, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों से है जो मनुष्य की आर्थिक क्रिया की मात्रा, गहनता, दिशा आदि को प्रभावित करते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं धनोपार्जन या जीविकोपार्जन से संबंधित होती हैं, जिनके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग को समाहित किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। भूतल के संसाधन का मूल्यांकन एवं मात्राकरण। पहला जो आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में किसको हम सम्मिलित करते हैं वो है भूतल के संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण, जिसमें प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उनकी स्थानिक स्थिति है। फिर भूमि की बनावट, अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा, भूमि की बनावट या स्थलाकृति, दैट इज टोपोग्राफी। फिर जलवायु संबंधी दशाएँ, क्लाइमेटिक कंडीशंस। मृदा एवं खनिज, सोयल्स एंड मिनरल्स। जलाशय, दैट इज वाटर बॉडीज। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। पशु या जीव जंतु, एनिमल्स, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, जिसमें जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता, जनसंख्या की हेल्थ एंड एफिशिएंसी। सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी आदि का विश्लेषण। अब इसमें प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज जो हैं उन सब की बात की जाती है। आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता, प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं आखेट, दैट इज हंटिंग, पशुपालन, लाइव स्टॉक रियरिंग, मछली पकड़ना, फिशिंग, कृषि, एग्रीकल्चर और उत्खनन, माइनिंग एंड क्वारिंग इत्यादि। द्वितीय क्रियाएं होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिनको सम्मिलित किया जाता है आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में। इसमें है विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, निर्माण। एवं तृतीय क्रियाएं होती हैं टर्शरी एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। फिर व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विविध सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन इत्यादि। डिफरेंट सर्विसेज एज हेल्थ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। फिर आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना, जिसमें संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना आता है, और संसाधन संरक्षण आता है, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। संक्षेप में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मृदा, जल, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों, आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, मनोयोग, कृषि, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि आर्थिक क्रियाओं तथा अन्य आर्थिक पक्षों व संगठनों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। अब आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध, इस पर हमने उसकी प्रकृति के दौरान भी चर्चा की थी, इसके विषय क्षेत्र में भी ये इम्पोर्टेंट
पार्ट है, इसलिए हम इसकी चर्चा दोबारा कर रहे हैं। रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी विद इकोनॉमिक्स। आर्थिक भूगोल का विकास मूलतः भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में हुआ है, जिसकी गणना सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। विभिन्न सामाजिक विज्ञान मानव की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण विषयानुकूल करते हैं। ज्ञातव्य है कि अधिकांश मानव क्रियाएँ अर्थ प्रेरित या निहितार्थ होती हैं। विभिन्न सामाजिक पक्षों के विकास में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। आर्थिक भूगोल मौलिक रूप से किसी प्रदेश के आर्थिक स्वरूप का अध्ययन स्थानिक परिस्थितियों की दृष्टि से करता है। अतः आर्थिक भूगोल का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों विशेषकर अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। एडम स्मिथ इत्यादि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन की व्याख्या करने वाला विज्ञान बताया है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इनके अनुसार अर्थशास्त्र को का अध्ययन केवल इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि सामान्य जनता द्वारा किस प्रकार धनोपार्जन किया जाता है और किस प्रकार उसका व्यय किया जाता है। नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में अग्रणी माने जाने वाले मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक ओर तो इसका धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के केवल उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो मानव कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। पीगू ने भी अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण का अध्ययन बताया है। रॉबिन्सन ने 1932 में अर्थशास्त्र की कल्याणमूलक परिभाषाओं की कठोर आलोचना करते हुए बताया कि अर्थशास्त्र उन समस्याओं का अध्ययन करता है जो साधनों की सीमितता स्कैरसिटी ऑफ मीन्स के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रकृति प्रदत्त साधन सीमित होने के कारण मानव जाति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है, जिसके कारण आवश्यकताओं और साधनों के चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इसी चुनाव की समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। चुनाव की समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हैं मानवीय आवश्यकताओं का असीमित होना, साधनों का सीमित होना, साधनों के वैकल्पिक उपयोग की संभावना और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर का पाया जाना है। जहां एक ओर मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बताया है, वहीं दूसरी ओर रॉबिन्सन ने इसे मानव विज्ञान ह्यूमन